नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 10वीं बारी के फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे RBSE। ये लिखने के बाद ये जो इंटरफेस खुलता है, पेज खुलेगा आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। इस पे पहले नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 10, 12 प्री, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद एक फिर से नया पेज खुला, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क 2021। इसमें आपको स्कूल लॉगिन आईडी, यानी कि इसमें आपको डालनी है डिजिट वाली, इसमें पासवर्ड डालना है, आपको लॉगिन करना है। इस प्रकार से लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपका पहला ही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो भी है आपकी या प्राइवेट स्कूल जो भी है, उसकी प्रोफाइल आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी होती है। उस प्रोफाइल के बाद पहला ही आपका ऑप्शन है कि स्कूल एरिया, यानी कि आपका एरिया जो है कि शहरी क्षेत्र है तो अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र है तो आप रूरल। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ अभी, तो रूरल मैंने कर दिया। स्कूल का नाम आपका ऑलरेडी इसमें आएगा और इसमें आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है। हाँ, तो ये इस प्रकार से आपका जो भी एड्रेस है गांव स्कूल का, वो एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आपका लिखा हो देगी इसमें से डिस्ट्रिक्ट जिला, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा भिलवाड़ा है, मैंने भिलवाड़ा सेलेक्ट कर लिया। फिर आपकी तहसील, जो रेड स्टार है उनको आपको भरना ही भरना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ BADNOR बदनौर। पिन कोड जो भी है आपके क्षेत्र के वो आपको भरने हैं। गया 302, ठीक है। STD कोड आजकल लगभग किसी के पास मिलते नहीं हैं। और आपको यहाँ पे क्या है, फ़ोन नंबर ज़रूर डालने हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आप के संस्था प्रधान हैं उनके नंबर डाल सकते हैं, या प्रभारी है उनके डाल सकते हैं। जैसे प्रभारी के नंबर आप कोई भी डाल में बन। यहाँ पे आपको आपके संस्था प्रधान जो भी है उनके नाम लिखना है और यहाँ उनके नंबर आपको डालना है। क्लियर। और यहाँ आपको स्कूल की मेल, यहाँ आप मेल आईडी डाल देंगे आपके स्कूल की जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए थर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपके संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, मैं संस्कृत चूज़ कर रहा हूँ। जितनी भी थर्ड लैंग्वेज आपके वहाँ चलती है उसमें से 1, 2, 3 आप चूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन एक ही थर्ड लैंग्वेज अपने यहाँ पर। फिर आपके विज्ञान वर्ग है उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अगर कृषि वर्ग है तो उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और वाणिज्य वर्ग है उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे मेरे यहाँ कला वर्ग है, मैं कला वर्ग में जैसे चूज़ कर रहा हूँ, जैसे एक पोल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल, और तीसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी साहित्य। ठीक है साथियों, अब उसके बाद देखिए अपना प्रीवियस एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि आपके स्कूल का पहले एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था वो अपने को पढ़ना है। पहले आपका जैसे 10th और 12th का एग्जाम सेंटर, यहाँ अक्षरता है तो अक्षरता लिख दिया मैंने। ये पूछा डिस्टेंस फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर, आपके स्कूल का और जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका कितना डिस्टेंस है वो लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मेरा 3 किलोमीटर है, 10th और 12th दोनों एक ही जगह है, तो मैं 3-3 किलोमीटर पढ़ रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए नियरेस्ट नोडल स्कूल नेम, जो भी आपका नियरेस्ट नोडल स्कूल है, जैसे यहाँ पे आपका नाम, आपके दूसरा नाम हो सकता है, उसको पढ़ना है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आपकी स्कूल का आपके ज़िला से कितनी दूरी पर स्थित है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा 72, मैंने 72 लिख दिया। नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट
नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये लिख दिया मैंने भीलवाड़ा। यहाँ पर आपके एक नया ऑप्शन चालू हुआ, क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे है, तो आपको यस और नो, अगर लगे हुए तो यस करना, नहीं तो नो करना। और नियरेस्ट तहसील जो भी है आपकी, आपको यहाँ भरनी है। ठीक है साथियों, आपका ये लिखा नेम ऑफ सेंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मेटेरियल, तो आपको इसमें जहाँ से जिस जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप कलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके पास में, उसको सिलेक्ट करना है। मैंने भीलवाड़ा सेलेक्ट किया और इसमें जो सेंटर है वो आपका मैं शिक्षा सेंटर जिसने इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब इसमें लिखा है क्या आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ, तो उच्च माध्यमिक है आपका, तो आपको यस करना है। डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, आप जैसे ही यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, इसमें आपके जो सब्जेक्ट है जैसे यहाँ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी आपके स्टूडेंट है उतने लिख दिए, और लैब कैपेसिटी, लैब कैपेसिटी आप कितने का करवा सकते हैं, आपके पास जितने भी अवेलेबल है उसको आप कर सकते हैं। और आप अपने स्ट्रोक से देखकर पुरानी जितनी भी बैलेंस में आप प्रैक्टिकल एक आंसर बुक है और ड्राइंग शीट है वो लिख ले, और आपको जितनी स्टूडेंट के अनुसार आवश्यकता है उतनी लिख ले, और यहाँ पे आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लिख ले। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि वेदर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड एग्जाम, आपका सेंटर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। जैसे यहाँ सेंटर नहीं है तो नो कर दिया, यस करेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ होती हैं उनकी डिटेल इसमें भरनी पड़ती है, वो आपको जिसमें आपको दिखा देता हूँ। यस करते ही ये यहाँ पे खुल गया, देखिए सेकेंडरी की और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इन ग्राफ पेपर स्टैंड नोटबुक सीट ये सब आपके पास कितनी है उस स्टो को इसमें डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ सेंटर नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आपको आपका पुराना पासवर्ड डालना है, इसके बाद यहाँ पे आप ये पुराने पासवर्ड वो डालेंगे, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दें और वही पासवर्ड वापस कंफर्म कर लें। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड के ऊपर बटन, प्रोसीड बटन दबाना है, और ये आपको पासवर्ड चाहिए तो सेव कर ले, नेवर कर ले। और अब यहाँ पे योर स्कूल प्रोफाइल है जिसमें अपडेटेड, और निम्न सूची में आपकी शाला में पढ़ाई जाने वाले विषय का सावधानीपूर्वक चयन करें, इसके अभाव में आप विद्यार्थी के आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे, तो इसको हमें फिल करना है। अब देखिए इसमें देखिए आपके यहाँ ये सेकेंडरी लेवल के हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस मैथ्स और थर्ड लैंग्वेज में आपका संस्कृत यहाँ पे है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। ये सेकेंडरी लेवल तक के हैं और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश सीनियर लेवल पे हिंदी इंग्लिश है, उसके बाद आपको जियोग्राफी पोल साइंस और ये हिंदी साहित्य ये सिलेक्ट कर लिया, और ये सब्जेक्ट को हम सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, उसके बाद ये पेज खुलेगा, इस पर होम पे क्लिक करना है। हाँ तो साथियों इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा जिस पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है, नीचे जनरेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट दसवीं किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ के आया है और यहाँ बारहवीं में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शामिल होना चाह रहा है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ चालान प्रिंट किया जाता है, इसका मैं अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी हम जैसे दसवीं के फॉर्म भरने की भरते हैं, अब इस पर क्लिक करने के बाद ये वापस इस पर का पेज खुलेगा जिसमें आप सब्जेक्ट भी अपडेट कर सकते हैं, वाइदे आपने पहले गलत कर दिए हैं या सही कर सकते हैं। और यहाँ आप फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको एसआर नंबर डालने जो भी आपकी शाला दर्पण पे है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, और फेस डाटा करेंगे, ये आप शाला दर्पण से उठाएगा। अगर आपके शाला दर्पण पे नाम सही है आप इसको एक बार शाला दर्पण और कक्षा दसवीं में पढ़ें तो कक्षा आठ की मार्कशीट से मिलान कर ले हुए वो। इसके बाद जैसे हम डालते हैं पेज कर लेता है, ये शाला दर्पण से डाटा जैसा जैसे उठा लेता है, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप वापस बैग जाके यहाँ से शाला दर्पण पे प्रपत्र पाँच में जाकर इसको एडिट कर ले। इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड
ये आपके पास नया पेज खुला है, यहाँ पर आपको क्या करना, फ़ोटो चूज करनी जो जिसकी साइज 100 KB के बराबर होनी चाहिए। आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर, एक जहाँ आपने फ़ोटो सेव करी वही फोल्डर आपका यहाँ पे खुलेगा, और आपने जिस नाम से फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो 100 KB का है और सिग्नेचर आपके फिर से 50 KB के होने चाहिए। इस प्रकार से आप इनको अपलोड कर लेंगे। ये क्लिक अपलोडिंग हो गया, ये अपलोड हो गए, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसीड कर लेंगे आप। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और आपका पहला स्टेप है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोटो और सिग्नेचर को मिलान कर लेते हैं, लीजिए आपने फॉर्म भरा उसमें से अगर गलत फ़ोटो आ गया है तो आप चेंज, या आप चेंज फ़ोटो और सिग्नेचर में आप क्लिक करके आप उसमें से सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये तो आपका भरा हुआ है, और यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ, ये लिंग, ये आपको ध्यान रखना है, मेल है फीमेल है, मीडियम आपका जो भी हिंदी है तो हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, BPL है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो यस है, नहीं है तो नो करना है, आधार कार्ड भरा हुआ मिलेगा। और ये जिस कैटेगरी में आता है, ये जैसे गुर्जर है तो गुर्जर MBC में या SBC में आएगा। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, क्लिक ऑप्शन आएगा, इसमें आपने गलत भी लग गया है यहाँ से क्लिक ऑप्शन कर, क्लियर ऑप्शन कर ले हुए, ताकि इसमें इस कैटेगरी में आप नहीं हैं तो आपको यहाँ ये ऑप्शन आ जाता है। इसमें अगर अन्य में अगर आप गलत भी दब जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो आप क्लियर ऑप्शन से इसको वापस सही कर लेना। इसके बाद आपको रेड स्टार जहाँ जहाँ लगे वहाँ पे आपको साइन कुछ तो कुछ डालना ही है। हाउस नंबर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, और गांव में जो भी उसका गांव है, और उसके बाद स्टेट इसमें ऑलरेडी आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना है, और पिन कोड जो भी आपका है वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर ज़रूरी डालने हैं, मोबाइल नंबर वैसे कंपलसरी नहीं लेकिन डाल दे तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये 4-5 कैटेगरी है, अगर पहली बार एग्जाम में अपीयर होता है ऑल सब्जेक्ट, दूसरी बार इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है, श्रेणी सुधार के लिए श्रेणी सुधार, एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर कर रहा है वो ठीक है, और इसमें अंक सुधार के लिए कर रहा है, आप अब ये पहली बार बच्चा इसमें ले रहा है तो ऑल सब्जेक्ट चूज करेंगे और यहाँ पर ओके मांगेगा अपने, और उसके बाद यहाँ ऑल सब्जेक्ट चूज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको थर्ड लेंगे, आपकी संस्कृत चलती संस्कृत, पंजाबी चलती पंजाबी, अपने राजस्थान में संस्कृत चलती, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8वीं क्लास कब पास की उसने वो साल, और यहाँ पर उसके रोल नंबर, इसके बाद यहाँ को साल भरना, 8वीं कब पास की, रोल नंबर पास हुआ या क्या हुआ, अपग्रेड हुआ वो, और कहाँ से शायद जैसे 8वीं बोर्ड डाइट से होता है इसलिए डाइट लिख दी, और 9वीं जैसे किस साल में पास की है, यहाँ 9वीं का साल आपका अगला साल आएगा 20, और इसके रोल नंबर पास और जहाँ से पास की उत्तीर्ण की वहाँ से। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लियर करना है, इसमें अगर ये ऑलरेडी आपको बता देगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की है, इसमें देखो छूट गया था, आपका मेल करना है और मीडियम हिंदी लेना है, इसलिए इसने आगे स्टेप नहीं लिया। अब जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो ये प्रोसीड हो जाता है, और यहाँ लिखा था कैंडिडेट रिकॉर्ड सेव्ड, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आपको लगता है कि अपने फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो बैक बटन पर जाए और इस अपडेट बटन फॉर्म पर क्लिक करें, यहाँ पर जैसे हमने ये फॉर्म भराया इस पर शो बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म वापस खुल जाएगा, और इसमें आपको लगता है कहीं गड़बड़ है तो आप वहाँ पर इसको सही कर सकते हैं, अन्यथा आप वापस इसको नीचे प्रोसीड बटन लिखा हुआ है इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये कैंडिडेट रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और अपना काम हो जाता है।
इसके बाद साथियों क्या करना है, जब फाइनल हो जाता है तब आपको चालान प्रिंट करना है, उसको बैंक में जमा कराना है। यहाँ से पहले चालान प्रिंट कर लेंगे अंतिम तारीख से पहले पहले, और फिर जो चालान जमा होने के बाद जो नंबर आते हैं वो और डेट, इस फिल बैंक ट्रांजेक्शन नंबर एंड डेट यहाँ फिलअप करेंगे, उसके बाद ही आपको फार्म की जो ये अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर्म हम प्रिंट करने हैं, उससे पहले हमें नहीं करना चाहिए।